हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास राजा अजय देवगन सर की आने वाली मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी मैदान को लेकर इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। यस गाइस, आप सभी को पता है कि इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टर ने बम फोड़ा है इसको सुनने के बाद आप इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जितने भी अजय देवगन सर के फैंस हैं वो एड़ियां उठाकर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें मैदान मूवी की जो ऑफिशियल अपडेट है, चाहे वो रिलीज डेट से रिलेटेड हो चाहे वो ट्रेलर से रिलेटेड हो, उन्हें मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अब जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं अमित शर्मा, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको सुनने के बाद मैं पर्सनली इस मूवी के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई साहब, इस मूवी के अंदर जो अजय देवगन सर की परफॉर्मेंस है वो उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस तो है ही है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस परफॉर्मेंस को आप इतनी जल्दी भूल नहीं पाओगे। यस गाइस, यानी कि आपको ये जो परफॉर्मेंस है कई सालों तक याद रहने वाली है। यस गाइस, यानी कि आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी डायरेक्टर ने किसी एक्टर को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। यानी कि इंडियन सिनेमा में बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन भाई साहब आज तक किसी डायरेक्टर ने ऐसी बात नहीं कही जो कि अमित शर्मा ने अजय देवगन सर को लेकर कही है। आप सभी को पता है कि इस मूवी के अंदर जो इमोशनल है, इमोशंस हैं वो हमें बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलने वाले। आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर इस तरह के जो करैक्टर हैं उनको प्ले करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं, और वे जब मैदान मूवी का टीजर आया था तो उस टीजर ने पब्लिक को रुला दिया था, क्योंकि अजय देवगन सर की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखने के बाद फैंस क्रेजी हो चुके थे। और जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी है, भाई साहब अगर ये मूवी इस साल रिलीज होती है चाहे बड़ी मूवी के साथ क्लैश करे, लेकिन ये मूवी 110% टक्कर देगी। लेकिन अभी तक जो इस मूवी के आप सभी कह सकते हैं ना कि प्रोड्यूसर बोनी कपूर, वो इस मूवी को लेकर खामोश बैठे हैं। तो दोस्तों, यहां पर अमित शर्मा ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है मैदान मूवी को लेकर, यानी कि ये जो मूवी है भाई साहब आप तक आपको 100 साल तक याद रहने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो अजय देवगन सर की परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़े लेवल की। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं तो इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी इस साल आनी चाहिए या नेक्स्ट साल आने चाहिए? हमें कमेंट जरूर बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अपडेट को देख सकें।